दीप प्रज्वलन करते हैं और दीप प्रज्वलन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा डॉक्टर मीनू अग्रवाल जी से प्रोमिला जी से सीता जी सीता जी और सरिता जी और हमारी संयुक्ता संयुक्ता संजुक्ता ये हमारी परंपरा है कि दीप प्रज्वलन हमारे यहाँ किसी भी मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि से नहीं संजुक्ता हमारे यहाँ दीप प्रज्वलन सिर्फ मात्र शक्ति से होता है बात कोई नहीं, नहीं करता है। और यह परंपरा इस इस, विश, इस संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर कपिल कपूर ने मैं मैं आपको मैं इसी मंगलाचरण के साथ मैं अच्छा। मैं निवेदन प्रार्थना करता हूँ आर्या से कि वो हमें एक बहुत अच्छी सी प्रार्थना सुनाएंगे इसी के साथ है। लक्ष्मी आरक्ष्मी चरण लक्षित वक्षसे विश्व लीलाय व्यम नमः तम महाजस सब छे रचे मोहम को की संकंतम दी सही महापरिहीनम तसीबे मम सूरे <laughs> बहुत अच्छा आर्या इतना सुंदर आर्या ने हमारे सामने प्रस्तुत किया एक एक प्रार्थना और मुझे लगता है कि ये हमारा दीप के साथ जो एक है वो पूर्ण नहीं होगा अगर इसमें आचार्य बलराम शुक्ल जी एक श्री सूक्त का एक अंश आपको सुनाएंगे और मैं बलराम जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो श्री सूक्त से आरंभ करे रितिका जी मैंने आपकी बजाय उसको बुला लिया था आप भी मेरे साथ के वो... भी माय गुडनेस भाई रितिका जी आ गई ये पहली बात है रितिका जी ये मास्ट प्रेजेंस इतनी गड़बड़ है कृपया कृपया मेरा देखिए पहली बात ये कि महिला और पुरुष में हम लोग अद्वैतिन हैं तो ऐसा भेद नहीं करते लेकिन कृपया इतने बड़े भी अद्वैतिन नहीं हैं कि आचार्य शंकर की तरह आबा आबा आब बता देती मुझे इशारा कर देती गड़बड़ कर रहे हैं दे मैं नहीं प्रणाम तुम्हें भी है प्रणाम तुम्हें भी है लेकिन उस मेरी आराध्या ये थी उस समय की इतनी विनम्र है ये आती बोली भी नहीं वहां से पुनः पुनः प्रणाम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् उपैतु माम देवसख कीर्तिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे छृप्पिपासामलाम ज्येष्ठम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम समृद्धिं च सर्वां निर्णुदमे गृहात् मनसः काममाकुतिम् वाचस सत्यम शीमहि पशुनां मयि श्री श्रयताम मैं आपको बीज वक्तव्य जो देने हमारे आचार्य हैं मैं आपको उनको बुलाने से पहले मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो दर्शन के विद्यार्थी हैं भारतीय है, समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं या जो उसके शोध में संलग्न हैं या जो खुद ही प्राध्यापक हैं दर्शन शास्त्र इसलिए कि दर्शन शास्त्री एक भारत में जो दर्शन शास्त्र की परंपरा है और उस परंपरा में अगर आप पूरा वैदिक वांग्मय से लेकर और आज 2021 तक और उसकी भी हम काल पर खड़े हुए हैं उसमें प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी का परिचय मैं आपको कुछ शब्दों में नहीं दे सकता क्योंकि वो उस भारत की उस मेधा को का प्रतिनिधित्व करते हैं ही रिप्रेजेंट्स दैट क्विंटिसेंशली इंडियन इंडियन विजडम Indian knowledge tradition that not only sees this entire cosmos in non-anthropological holistic sense, but it goes deeper and deeper into that, that what you call that consciousness of consciousness. That consciousness of consciousness, that vah Vahistiti. जहां से परावाक जहां से ये नहीं समझ में आता कि परा से पश्यंती कब बनती है पश्यंती के बाद मध्यमा कब बनती है और मध्यमा के बाद जिस सिस्टम में हम बंधे हैं वैखरी सिस्टम में तो जिसने परा से और वैखरी तक के सिस्टम की पूरी वाक प्रवाह को जिसने सिद्ध किया हो अपनी साधना से और तब अर्थों का प्रस्फुटन होता है तो मित्रों ये जो अर्थायाम है

You will see as to how, when he makes his presentation, he is not a he is not a philosopher 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 who belongs to India. He is not a philosopher who belongs to India, mind you. He is an Indian philosopher. wo वो भारत के दर्शनशास्त्री नहीं हैं, वो भारतीय दर्शनशास्त्री हैं और इसमें बहुत बड़ा मूलभूत अंतर है. This is not the Institute of Advanced Study of India. This is an Indian Institute of Advanced yep. Study, mm -hmm. mind you. This is a very, it's a very subtle, subtle difference in belonging to India through his philosophy. Because he could say, Bharat ki Communist Party or Bharatiya Communist Party. It will never be Bharatiya Communist Party. I am de not uh, delving into any kind of political discussion. It is just vyakaran ka de raang. आप शिमला के हैं और कोई कहे कि मैं शिमला से मेरा संबंध मेरा जन मेरा जन्म जात मैं हिमाचल का हूं तो दो अर्थों में हो सकता है वन हु इज ए हिमाचली एंड वन हु बिलोंग्स टू हिमाचल इन द सेंस आई हैव माय प्रॉपर्टी इन हिमाचल प्रदेश सो माइंड सो दिस नॉलेज ट्रेडिशन डज नॉट एडमिट ऑफ Uh, any kind of any kind of you know interference superimposition of the other knowledge systems on it if they are superimposed on it there will be resistance from within so wo the resistance from within is only possible when there is an indian philosopher okay? only possible we can we can sh we should be guided by those who are indian philosophers Who are Indian writers, who are Indian thinkers, not belonging to India or of India, anyway. तो अंबिका दत्त जी का परिचय मैं सिर्फ आपको ये दे रहा हूँ कि भारतीय जो दार्शनिक जगत है और समाज शास्त्र का जो अध्ययन का क्षेत्र है उसमें प्रोफेसर अंबिका दत्त जी जैसा मौलिक चिंतक मौलिक चिंतक और उस सम्पूर्ण परंपरा में आप राधा कृष्णन से शुरू करें आपकी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आधुनिक दर्शन की और उससे भी पहले भट्टाचार्य से शुरू कर लीजिए उससे पहले और उधर चले जाएं आप तो टैगोर को भी ले लीजिए और श्री अरविंदो को भी ले लीजिए और अगर अभी आप आते हैं तो अभी आप आएंगे यशदेव शल्य जी पांडे और मैंने कहा मुकुंद लाठ और अंबिका दत्त शर्मा जी की परंपरा में ये जो एक हमारा संप्रदाय बनता है जो भारतीय ज्ञान परंपरा का संप्रदाय है यह किसी एक विशिष्ट वाद से नहीं जुड़ा है ये वाद से नहीं जुड़ा है, क्योंकि ये ये वह लोग हैं ये उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं अभी इनको एक शंकर अद्वैत एक पूरा एक, एक, एक हमारे आठ फेलोशिप्स अनाउंस हुई जिसमें के शंकर फेलोशिप्स दी गई आचार्य शंकर फेलोशिप के लिए उनका चयन हुआ तो डॉक्टर अंबिका दत्त का शंकर फेलोशिप में चुना जाना उनके लिए उपलब्धि नहीं है ये हमारी उस ज्ञान परंपरा के लिए उपलब्धि का एक क्षण था जब उनका नाम अनाउंस हुआ क्योंकि भारत की अद्वैत परंपरा को व्यवहारिक क्षेत्र में किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी चुनौती है जिस जहां पर एक वन या इंटीग्रल इंडिया इंटीग्रल कॉजमोस की संकल्पना हो वहां डिफरेंसेस डिवीजन हेट्रेड वायलेंस इनक्वालिटीज ये कैसे संभव है और इसी प्रकार से जब आपने अगर कंसेप्ट नोट पढ़ा होगा इन दैट कंसेप्ट अर्थायाम डज नॉट मीन द इकोनॉमिक डिस्कोर्सिस ऑन इंडिया और इकोनॉमिक अर्थायाम स्टैंड फॉर दैट धर्मसेंट्रिक धर्मसेंट्रिक इकोनॉमिक विजन so what is the dharma centric economic vision and artha does not remain only artha in terms of wealth the problem with english language is that they have no other no other meaning of meaning that is they have Im, they have a construct called meaning artha but they have no other meaning of meaning which could be equated with the polysemic polycentric you can say loaded multiply loaded uh, सिमेंटिक कंसेप्ट कॉल्ड अर्थ सो आप ये देखिए कि किस प्रकार से वो अर्थ जो है जो धर्म के मूल में भी है जो सुख की भी सृष्टि करता है जो कल्याण की भी सृष्टि करता है उसमें अंतर संबंध संपूर्ण पुरुषार्थ में किस प्रकार से वो अर्थ संचरित होता है अर्थ प्रमुख इसलिए अर्थायाम जब दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि न तो अर्थ का अभाव हो और न अर्थ का प्रभाव हो In both these situations, things will 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 be different and they may harm us. That ka abhav will harm us. us That 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 is is even spiritually. But ka prabhav hi rahe, that will, that is equally harmful. Mm -hmm. तो बलराम जी से भी कहूंगा कि वो दो शब्द इसकी थीम बि बिफोर आई इनवाइटी एक आपको सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे दोनों जो आचार्य हैं आचार्य कपिल कपूर जी और आचार्य चमनलाल गुप्त जी अध्यक्ष और हमारे निदेशक महोदय वो दोनों आज नहीं आ सके हमें आशीर्वाद देने उनका कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य था तो वो शाम को उन्होंने आप लोगों के लिए अपना संदेश भेजा कि उनका आशीर्वाद दिया जाए वो कल हमारे साथ होंगे और वो कल होंगे उसी बहुत ही अपरिहार्य का इट वेयर दे हैड नो चॉइस बट टू अटेंड टू दैट वर्क हैड टू गो तो उन दोनों की तरफ से भी मैं आपको क्षमा याचना मांगता हूँ कि वो आपको आशीर्वाद देने आते और उनके आशीर्वचन के साथ ही हम शुरुआत करते लेकिन वो नहीं आ पाए मैं बलराम जी से कहूँगा कि वो दो शब्द कहें और परमादरणीय आचार्य अंबिका दत्त शर्मा जी आचार्य सुधीर कुमार जी आचार्य रामस्वामी जी तथा तो उपस्थित समस्त अध्येता गण। इसमें हमारे संस्थान के भी अध्येता यहाँ उपस्थित हैं सबसे पहले मैं इस अवसर को धन्यवाद देने के लिए प्रयोग करता हूं कि मुझे इस पंद्रह दिनों के अत्यंत महत्वपूर्ण शीतकालीन अध्ययन सत्र के सह संयोजक के रूप में आचार्य जी ने नियुक्त किया संस्थान ने संस्थान के निदेशक ने नियुक्त किया वस्तुतः आचार्य सुधीर कुमार जी जो हैं वो इतने वाइब्रेंट इतने उदात इतने एक्टिव हैं कि के हमें केवल उनके उनकी संक्रियाओं से सीखने का अवसर मात्र रहता है अन्यथा सारा कार्य जो है उन्हीं का है संपूर्ण उपक्रम उन्हीं का है आ, इस पंद्रह दिनों तक चलने वाले शीतकालीन अध्ययन सत्र में विशिष्ट अध्ययन सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है इसमें आप आप लोग देश के कोने-कोने से आए आप लोगों का आभार आप लोग इस विषम परिस्थिति में आ सके और इसका महत्वपूर्ण लाभ भी निश्चित रूप से आप लोगों को होगा क्योंकि उसी तरह से देश के कोने कोने से हमारे सत्र में व्याख्यान के लिए विद्वान बुलाए गए हैं और उन्होंने कृपापूर्वक आना स्वीकार किया है हमारा आतिथ्य ग्रहण किया है मैं उनके प्रति भी बहुत आभारी हूं अर्थायाम जो विषय रखा है आचार्य प्रवर ने वो बहुत महत्वपूर्ण है विशेष रूप से हम लोग भारत की पारंपरिक और सनातन ज्ञान परंपरा के अधीति हैं इसलिए हमारी दृष्टि से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बहुत सारे दुष्प्रचारों और अपप्रचारों का निरसन करेगा जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर है भारतीय ज्ञान परंपरा को केवल और केवल निवृत्ति परक कह करके उसको डिस्कार्ड करने की कोशिश की जाती है भारत की वह परंपरा जिसमें काम भी पुरुषार्थ है अर्थ भी पुरुषार्थ है वो निवृत्ति परक कैसे हो सकती है उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का अपूर्व और अद्भुत सामंजस्य है हमारे जो विशिष्ट आमंत्रित वक्ता हैं वो इन इन बिंदुओं पर विशेष रूप से आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करेंगे इसके अतिरिक्त आधुनिक भारत में जो आधुनिक चिंतन है चिंतक हैं उन लोगों ने किस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा का उपयोग अपने आर्थिक दर्शन में किया है ये उभर करके सामने आने वाला है ये ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे भारतीय ज्ञान परंपरा का सात्य प्रकट होगा जब भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो उसके साथ प्राचीनता उसके साथ रिग्रेशन या उसके साथ दकियानुसी होना ये टैगिंग अपने आप आ जाती है प्राचीन का अर्थ मृत होना अतीत होना व्यतीत होना ये मान लिया जाता है लेकिन हम देखेंगे कि पिछली शताब्दी में किस प्रकार हमारे महनीय चिंतकों ने उसी सनातन अर्थ पद्धति का उपयोग करके बहुत महत्वपूर्ण आयामों को डायमेंशंस को हमारे सामने रखा है तो ये विशिष्ट चर्चाएं निरंतर चलती रहेंगी हमारे हमारा जो महनीय संस्थान है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान उसके विविध संभाग हैं और सारे बहुत ही दक्ष हैं अपनी क्रिया विशेष रूप से आतिथ्य में वे बहुत जाने जाते हैं मैं स्वयं दो वर्षों से यहाँ अतिथि के रूप में हूँ और मैं उसका सुख अनुभव कर रहा हूँ मुझे विश्वास है कि आप लोग भी इसका अनुभव करेंगे आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा हो कोई भी ईश्वर नगर में कोई किसी तरह की परेशानी हो तो आप जो संभाग हैं संबद्ध संभाग हैं उनसे जरूर संपर्क करें हम लोग प्रोफेसर सुधीर कुमार जी हैं मैं हूँ हम लोग निरंतर इस अध्ययन सत्र में रहेंगे उसके बाद भी रहे, उपलब्ध रहेंगे तो आप लोग हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं निसंकोच करें हमें बड़ी प्रसन्नता होगी किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप लोग अवश्य संपर्क करने की कृपा करें मुझे फिलहाल के लिए यही कहना है और यदि उसके बावजूद अगर कोई असुविधा होती है तो हम पहले से ही आपसे क्षमा प्रार्थी हैं आप लोग इस संपूर्ण शीतकालीन सत्र को सफल बनाने के लिए प्रतिभूति के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के विविध भागों से उपस्थित हुए हैं आप लोगों का बारंबार धन्यवाद प्रणाम और अत्यंत स्वागत है बहुत धन्यवाद मित्रों अब आपके और विशिष्ट वक्ता के मध्य में किसी अन्य का आना एक प्रकार से अपराध होगा मैं आमंत्रित कर रहा हूँ महान आचार्य अंबिका दत्त जी अंबिका दत्त जी से

इद मंथन तम कृत्स जाये तुवन यदि शब्द हम ज्योतिर्संसारम नीप्य गांधी और आधुनिक भारतीय चिंतकों के धर्म केंद्रित अर्थ दर्शन पर केंद्रित इस शीतकालीन अध्ययन सत्र में संस्थान के चेयरमैन अध्यक्ष प्रोफेसर तो कपिल कपूर जी संस्थान के वर्तमान निदेशक प्रोफेसर चमन लाल गुप्त जी और इस शीतकालीन अध्ययन सत्र के समन्वयक आचार्य द्वय प्रोफेसर सुधीर कुमार जी और मेरे प्रिय बलराम जी और इन सब चीज़ों को एक सूत्रित करने वाली संस्थान की रित और रीतिका दोनों को संभालने वाली रीतिका मैडम संस्थान के सभी कर्मचारीगण और हमारे प्रिय रामा जी और आप सभी देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिभागीगण जिनको यहाँ उपस्थित देखकर हम सब लोगों को एक भरोसा होता है एक भविष्य का भरोसा होता है तो मैं आप सबों के प्रति इस महत्वपूर्ण शीतकालीन अध्ययन सत्र में अपने कुछ विचारों को साझा करने के लिए जो आप लोगों ने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं एक बार बिल्कुल आत्मचेतना के स्तर पर प्रोफेसर कपिल कपूर जी को प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी को प्रोफेसर सुधीर कुमार जी को बलराम जी को रीतिका मैडम को और संस्थान के सभी सदस्यों के प्रति मैं अपना आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ मित्रों जिस सभागार में आप लोग बैठे हुए मैं जब कभी भी सभागार में आता हूँ और मुझे यहां से कुछ बोलने का अवसर मिलता है तो मेरे मन में एक उपमा उभरती है कि इस सभागार से गांधी या भारतीय चिंतकों पर कोई व्याख्यान देना ठीक उसी प्रकार की भावभंगिमा को वक्ता और स्रोता में प्रस्तुत करता है मन उज्जैन की सांदीपनी विद्या प्रतिष्ठान जहां कृष्ण ने महर्षि सामदीपिनी से शिक्षा प्राप्त किया था वहां गीता पर व्याख्यान दे <laughs> इस कच्छ से भारतीय चिंतकों पर व्याख्यान देने से ऐसे ही मन में एक भाव भंगिमा है और आप देखिए आपके चारों तरफ जो प्रतिमाएं यहां लगी हुई है इनके बीच में अपने को पाकर प्रोफेसर सुधीर कुमार ने जो कहा था कि भारत का चिंतक होना एक भौगोलिक अर्थ संदर्भ रखता है लेकिन भारतीय चिंतक होना एक वैचारिक अर्थ संदर्भ रखता है भारत में रहकर आप अभारतीय चिंतन भी कर सकते हैं और तब भी आप भारत के चिंतक कह जाएंगे लेकिन भारत में रहकर अभारतीय चिंतन करते हुए आप भारतीय चिंतक नहीं तो मित्रों आज हम अपने ज्ञान अपने अध्यवसाय अपने अध्ययन की अनुमत सीमा में आपसे जो कुछ बातचीत करना चाहते हैं उसका विषय है सनातन गांधी का अर्थ दर्शन सनातन गांधी का अर्थ दर्शन मित्रों मैंने गांधी के पहले एक सनातन विशेषण लगाया है इसलिए गांधी के अर्थ दर्शन पर कुछ हम विचार आपके सामने प्रस्तुत करें तो सनातन गांधी में सनातन की जा का जो विशेषण है उसको प्रस्तावित करने के लिए हम कुछ बातें आपसे साझा करना चाहें पहली बात तो ये कि गांधी को समझने के सब के अपने अपने तरीके हैं और शायद इस देश में गांधी ही एक ऐसे आधुनिक चिंतकों में है जिनको समझने के इतने अलग अलग ढांचे निर्मित किए गए हैं कभी कभी इस समस्या को जब गांधी से जोड़ के हम लोग देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधी के विषय में सबके अपने अपने झूठ हैं और सब लोग गांधी पर अपने अपने झूठ को आरोपित करते आ रहे हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि गांधी का सत्य अभी भी कहीं छुपा हुआ है हम लोग आज प्रयास करें वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर कि गांधी के उस छुपे हुए सत्य को उनके धर्म सेंट्रिक जो अर्थ दर्शन है उसको संदर्भ बना के हम लोग आज चलिए उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं गांधी को समझने में एक जो बहुत बड़ी भूल होती है और उस भूल का संदर्भ भारत का चिंतक होने और भारतीय चिंतक होने से ही संबंधित है एक बहुत बड़ी भूल होती है कि हम जब गांधी के विचारों को रस्किन टॉलस्टाय थोरो कारपेंटर और उससे भी आगे हिंद स्वराज में उन्होंने 20 पुस्तकों की जो एक सूची प्रस्तुत की है और जिन विचारकों को संदर्भित किया है उनसे गांधी को जब हम जोड़ कर देखते हैं तो गांधी को समझने में यहीं से एक भारी भूल की शुरुआत हो जाती है और इस भूल के साथ हम गांधी को भारत का चिंतक बना देते हैं और भारतीय चिंतक बनने से उसे हम रोक देते हैं तो इस भूल को हम कैसे सुधारें अगर हम रस्किन टोलस्टाय थोरो कारपेंटर इत्यादि के संदर्भ में गांधी के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं तो गांधी भारत के चिंतक हो सकते हैं भारतीय चिंतक लेकिन आपको मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि इन इनके पुस्तकों का उल्लेख हिंद स्वराज के मूल में नहीं किया गया था जब उसका गुजराती संस्करण लिखा था उन्होंने या जिस जिस हिंद स्वराज को उन्होंने तेरह नवंबर अमावस की रात में समुद्र से गुजरते हुए समुद्र को पार करते हुए जब वो लिखे थे ये जो तेरह नवंबर और अमावस की जो रात्रि है ना इसका बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा एक पौराणिक मतलब इसका संदर्भ है कि राम रावण के युद्ध की पूर्व संध्या भी अमावस की थी और राम चिंता मग्न होकर समुद्र के किनारे बैठे हुए थे कि कल उनको आसुरी सभ्यता के महानायक रावण से लड़ना और गांधी भी तेरह नवंबर को जहाज से पार करके उस रात्रि में समुद्र पार कर रहे थे और पार करके उन्हें आधुनिक सभ्यता से लड़ने के लिए आना था तो मित्रों ये पुस्तकों का उल्लेख उस हिंद स्वराज में नहीं था लेकिन जब हिंद स्वराज पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया और जब उन्होंने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया कि इसे अंग्रेज पढ़ सके तो उन्होंने ये परिशिष्ट बीस पुस्तकों की लगाई जिसमें रस्किन थोरो और इन इनका नाम उल्लिखित किया और मित्रों तो इसके पीछे गांधी का उद्देश्य यह रहा कि वो ब्रिटिश सरकार को आईना दिखाना चाहते थे कि जिस आधुनिक सभ्यता को गांधी मनुष्य को बिगाड़ने वाली सभ्यता कह रहे हैं उसकी आलोचना के स्वर पश्चिम के परंपरा से के अंदर से ही प्रस्फुटित हुए यह बात गांधी उनको बताना चाहते थे उनको आईना दिखाना चाहते थे और इस आधार पर यह हमें नहीं मान लेना चाहिए कि गांधी अपने विचारों के मूलभूत सूत्रों को वह सरस्किन कारपेंटर और टॉलस्टाइल से ग्रहण किया था यह हमें नहीं मानना चाहिए आप कहेंगे कि यदि हम यह ना माने तो हम गांधी के विचारों के मूल उद्गम और स्रोतों को कहां प्राप्त करें और उसके लिए मेरे पास क्या प्रमाण है तो मैं समझता हूं कि गांधी आधुनिक सभ्यता की आलोचना सनातन भारत की धर्म भूमि पर खड़ा होकर कर रहे थे सनातन भारत की धर्म भूमि पर खड़ा होकर वह आधुनिक सभ्यता की आलोचना कर रहे थे और अहिंसक सत्यान्वेषी भारत के अहिंसक सभ्यता बोध को वह एक वैकल्पिक सभ्यता बोध के रूप में लेकर सामने आ रहे हैं और मैं कुछ छोटे छोटे प्रमाण आपको बताता हूं कि जो रूट्स जो इंडिजिनस रूट्स ऑफ गांधी है जो भारतीय ज्ञान परंपरा में गांधी के विचारों के जो गुणसूत्र हैं जिसे गांधी ने आधुनिक सभ्यता में अंतर व्याप्त हिंसा के जिस स्वरूप का उन्होंने साक्षात्कार किया यदि आप गांधी के हिंसा और अहिंसा विमर्श के मूलगामी स्वरूप को अगर समझना चाहे तो आपको रस्किन थोर और कानप्रिटर में नहीं जाना चाहिए बल्कि तब आपको विष्णु पुराण में जाना चाहिए जहां विष्णु पुराण में हिंसा की एक वंशावली बन बताई गई है विष्णु पुराण में हिंसा की वंशावली अब ये देखिए भारत भारतीय ज्ञान परंपरा की ये विशिष्टता है कि जब वो कोई डिस्कोर्स खड़ा कर रहा है तो हिंसा की पूरी की पूरी वंशावली बताई जा रही है और वो क्या है विष्णु पुराण में कि हिंसा अधर्म की पत्नी थी हिंसा अधर्म की पत्नी थी अर्थ केंद्रित <laughs> हिंसा अधर्म की पत्नी थी और उससे अनृत अर्थात असत्य नामक पुत्र और निकृति मतलब दुष्टता सठता नामक कन्या उत्पन्न हुई मतलब एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई उस पत्नी से उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं उत्पन्न उनमें से समस्त प्राणियों के संहारकर्ता नामक मृत्यु को माया ने पुत्र के रूप में जन्म दिया वेदना ने रौरव नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और माया के पुत्र मृत्यु से व्याधि जरा शोक तृष्णा बुभुक्षा और क्रोध की उत्पत्ति हुई और ये सभी अधर्म रूप है और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध है ये देखिए विष्णु पुराण एक सात बत्तीस में ये हिंसा की एक पूरी वंशावली बताई गई है और इस हिंसा की वंशावली को अगर आप देखें कि हिंसा का विस्तार दुनिया में कैसे कैसे हो रहा है उसकी वंश परंपरा कैसे कैसे बढ़ रही है तो आज पूरी दुनिया में जो डिस्कोर्स ऑफ वायलेंस है वो विष्णु पुराण की इस वंशावली से बाहर अब तक नहीं जा पाया है और इसी तरह मित्रों यह कोई संयोग नहीं कि आधुनिक सभ्यता के विकल्प में गांधी जिस सभ्यता बोध को आत्मसात किए हुए थे और उसे दुनिया के सामने रखना चाहते थे उसके बहुतेरे सूत्र हमें वाल्मीकि रामायण में अक्षर सह प्राप्त होते हैं आश्चर्यजनक रूप से लेकिन हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते और गांधी के विचारों के उत्स और उदगम को हम थोरो रस्किन कारपेंटर में देख कुछ चंद के माध्यम से मैं आप, मैं आप आप आपको एक तरह से उत्सुक करना चाहूंगा कि हम गांधी के विचारों के बीजभूत जो सूत्र है वो अपनी ज्ञान परंपरा में कैसे देखें आप लोग सब जानते होंगे कि सत्य ही ईश्वर है यह गांधी के चिंतन का सर्वाधिक आधारभूत और सर्वाधिक मौलिक वाक्य माना जाता है और यह भी माना जाता है कि इस वाक्य को गांधी ने कहीं से उधार नहीं लिया है आप सब लोग सहमत हैं इस बात से हम भी यही जानते थे कि सत्य ही ईश्वर है ट्रुथ इज गॉड मोस्ट ऑरिजिनल स्टेटमेंट मेड बाय महात्मा गांधी एंड इट हैज नोट बोरोड फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि द्वितीय धर्मराज कहे जाने वाले राम के चिंतन का भी मौलिक आधार वाक्य यही है और वाल्मीकि रामायण में राम का यह स्टेटमेंट है सत्य मेवे स्वरो लोके सत्य धर्म सदास्त्रता सत्य मूलानी सर्वाणी सत्य नास्ति परम पदम इसका पहला भाग क्या है सत्य मेवे स्वरो लोके इसे हिंदी में आप कैसे अनुदित करेंगे इस लोक में सत्य ही ईश्वर है यही ना अनुवाद होगा तो गांधी भले वाल्मीकि रामायण पढ़े हो या न पढ़े हो मैं नहीं जानता लेकिन गांधी का सर्वाधिक मौलिक जो चिंतन का जो सूत्र वाक्य सत्य ही ईश्वर है वह किस तरह से मुझे राम के इस वक्तव्य में अक्षर सह प्राप्त होता है सत्य मेवे स्वरो लोके। तो हम फिर थौरोपेंटर टोलोस्टाई के विचारों में गांधी के बीज खोजने का प्रयास क्यों करें हम क्यों नहीं अपनी परंपरा में गांधी के बीज विचारों को खोजें जहां मुझे अक्षरशह प्रमाण मिलते हैं आप सब जानते होंगे कि गांधी के चिंतन का जो बहुत महत्वपूर्ण दूसरा जो पहलू है वह है साधन साध्य विवेक अर्थात साधन साध्य की पवित्रता का सिद्धांत और यह कहा जाता है कि साधन साध्य के विवेक के प्रयोगता कम से कम राजनीति सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में दुनिया में वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जो गांधी ने इसका प्रयोग किया आपको मित्रों ये जान के आश्चर्य होगा कि साध्य साधन विवेक की अवधारणा के प्रथम प्रयोगता शायद वाल्मीकि के राम रहे और वाल्मीकि राम की यह प्रतिज्ञा है कि सत्य प्रतिश्रव सत्यम सत्येन समयी कृतम सत्यम सत्येन समयी कृतम अर्थात सत्य साध्य की प्रतिष्ठा सत्य साधन से करने के लिए मैं सत्य प्रतिश्रव एकदम अक्षर से प्राप्त होता है ना एक तीसरे संदर्भ मैं आपके सामने उपस्थित करता हूं जो गांधी के चिंतन का बहुत मौलिक आयाम है कि राजनीति में सत्य और अहिंसा का प्रयोग और इस संदर्भ में भी गांधी को माना जाता है कि ये दुनिया में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीति में सत्य और अहिंसा के प्रयोग उसका विनियोग करने का उन्होंने का आरंभ किया शुभारंभ किया आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राम ही राम ही राजनीति के क्षेत्र में सत्य और अहिंसा के प्रयोग के प्रथम प्रयोगता वाल्मीकि रामायण में राम और जाबाली के बीच का एक संवाद है और उस संवाद को एक तरह से राम कंक्लूड करते हुए जाबाली से कहते हैं कि सत्यमेवा नृशंसन च राजवृत्तम सनातन सत्यमेवा नृशंसन च राजवृत्तम सनातनम तस्मा सत्यात्मक राज्यम सत्ये लोक प्रतिष्ठित सत्य और आन्रशंस आनुशंस मतलब अहिंसा सत्य और आनस ही सनातन राजवृत्त है इटरनल पॉलिटी सत्य और राजनीति सत्य और अहिंसा ही सनातन राजवृत्त है सत्य मेवा निशंसन च राजवृत्तम सनातन इसलिए तस्मात सत्यात्मकम राज्य राज्य को भी सत्यात्मक होना चाहिए तो हम सत्य और अहिंसा के प्रयोग का जो की विचार परंपरा को हम अपनी सनातन परंपरा में इतने स्पष्ट तरीके से देखते हैं तो मित्रों हमें क्यों रस्किन थोरो कारपेंटर इत्यादि के विचारों में गांधी का उत्स खोजना चाहिए क्यों न हम अपनी ज्ञान परंपरा में गांधी के विचारों के उत्स को खोजें और इन्हीं संदर्भों को ध्यान में रखते हुए मैंने गांधी के साथ सनातन गांधी विशेषण लगाया था मित्रों ये जो सनातन गांधी है ना वो आजीवन आधुनिक सभ्यता के अश्वमेध को रोकने के लिए लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे आधुनिक सभ्यता के अश्वमेध को क्योंकि मार्टिन हाइडेगर कहता है कि आधुनिक सभ्यता विश्व सभ्यता का रूप अख्तियार करने जा रही है विश्व सभ्यता का इसीलिए मैंने अश्वमेध शब्द का यहां कि वो आधुनिक सभ्यता के अश्वमेध घोड़े को रोकने के लिए गांधी जीवन भर लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे लेकिन गांधी ने संघर्ष को जिस अर्थ में स्वीकार किया है गांधी को समझने के लिए संक्षेप में ही सही लेकिन अपने मन में इस बात को जरूर बैठाना चाहिए कि पूरी दुनिया संघर्ष संघर्ष के अर्थ को जिस तरीके से ग्रहण करती है और गांधी ने अपने जीवन में संघर्ष के जिस अर्थ को आत्मसात किया है उसमें आसमान जमीन का अंतर है दुनिया ऐसा समझती है कि संघर्ष का मतलब है कि हम अपने विरोधी पर कितना चोट करते हैं संघर्ष का यही मतलब होता है कि हम अपने विरोधी पर कितना चोट करते हैं लेकिन गांधी के लिए संघर्ष का मतलब यह नहीं था कि हम अपने विरोधी पर कितना चोट करते हैं बल्कि गांधी के लिए संघर्ष का निहितार्थ यह था कि संघर्ष का सत्य आपके जीवन को कितना रूपांतरित ना, करता ना। है आपके जीवन को वह कितना रूपांतरित करता है संघर्ष का निहितार्थ इसमें है संघर्ष का निहितार्थ इसमें नहीं कि वह विरोधी पर कितना चोट पहुंचा क्योंकि विरोधी पर चोट पहुंचाना भी तो एक प्रकार की हिंसा है और ऐसे संघर्षशील संघर्ष के इसी अर्थ को आत्मसात करके जीवन भर संघर्ष करने वाले जो गांधी हैं वो जीवन भर लड़ते रहे आप सब जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका के अपने प्रारंभिक जीवन में उन्होंने गिरमिटिया मजदूरों के लिए साम्राज्यवाद के विरोध में अपनी लड़ाई छेड़ी जिसे हम गिरमिटिया गांधी के नाम से जानते हैं और गिरमिटिया मजदूरों के शोषण के विरुद्ध जो एक साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो उन्होंने लड़ाई छेड़ी और उसका और उस लड़ाई के प्रभा मंडल में उस समय इतनी तेजी से उसकी आग चारों तरफ फैली कि मानो साम्राज्यवाद साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध में जो मनस्तत्व गिरमिटिया मजदूरों में जो पनप रहा था वह अब आग बहुत तेजी से भड़की और ये प्रारंभिक गांधी था गिरमिटिया गांधी था जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई शुरू किया था उसके बाद आप देखिए कि हिंद स्वराज लिखने के उपरांत जो गांधी है उसने आधुनिक सभ्यता के विरोध में मानो शखनाद ही कर दिया तो प्रारंभिक जो गिरमिटिया गांधी था वह साम्राज्यवाद के विरोध में लड़ रहा था आप अपनी लड़ाई को विस्तारित करते हुए हिंद स्वराज लिखने के उपरांत गांधी पूरी की पूरी आधुनिक सभ्यता के विरोध में ही उन्होंने शंखनाद कर दिया और इस क्रम में एक दूसरी लड़ाई भी वो लड़ रहे थे और वह था कि एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र के द्वारा एडम स्मिथ का जो अर्थशास्त्र है वह कृत्रिम आवश्यकताओं का अर्थशास्त्र है कृत्रिम आवश्यकताओं का अर्थशास्त्र इसको गांधी के शब्दों में कहें कि इट वॉज नॉट इकोनॉमिक्स ऑफ नीड इट वॉज ए इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रीड तो कृत्रिम आवश्यकताओं के अर्थशास्त्र ने एक कल्पित मनुष्य का निर्माण किया था कल्पित मनुष्य का निर्माण तीन चीजों से होता है एक कृत्रिम आवश्यकताओं के अर्थशास्त्र से फिर कृत्रिम आवश्यकताओं के अर्थशास्त्र के द्वारा जो एक साख मुद्रा को प्रचलन में लाया जाता है साख मुद्रा और उस साख मुद्रा और कृत्रिम आवश्यकताओं के द्वारा और तीसरा बाजार के द्वारा एक कल्पित मनुष्य का निर्माण किया जाता है और वह कल्पित मनुष्य अर्थ केंद्रित आधुनिक सभ्यता में वास्तविक मनुष्य को अपना उपनिवेश बना है। बहुत सुंदर। आप गांधी के उपनिवेशवाद की जो लड़ाई है उसे आप केवल राजनीतिक संदर्भों में मत समझिए कल्पित मनुष्य हर एक वास्तविक व्यक्ति को उपनिवेशित कर लिया है आधुनिक केंद्रित आधुनिक सभ्यता में हर एक व्यक्ति एक कल्पित मनुष्य का उपनिवेश बन गया है कृत्रिम आवश्यकताओं के अर्थशास्त्र के द्वारा साख मुद्रा के द्वारा और बाजार के द्वारा तो कल्पित मनुष्य के द्वारा उपनिवेशित तो वास्तविक मनुष्य के स्वराज की भी वो लड़ाई लड़ लग रहे थे इसी के साथ और इसके साथ साथ मित्रों वो तकनीकी नास्तिकता के विरुद्ध असमझौतापूर्ण युद्ध छेड़े हुए थे टेक्नोलॉजिकल निहिलिज्म के द्वारा क्योंकि मनुष्य पर मशीन का आधुनिक सभ्यता के केंद्रीकृत उत्पादन प्रणाली में मशीनों की जो भूमिका बढ़ गई थी और मनुष्य के जीवन पर मशीन का तकनीक का जो अप्रतिहत प्रभुत्व तो स्थापित होने जा रहा था तो वह उस तकनीकी नास्तिकता टेक्नोलॉजिकल निहिलिज्म के विरुद्ध में लगा। और इसके साथ ही साथ गांधी दो तो प्रकार की हिंसक शक्तियों से लड़ रहे थे एक एक वह हिंसक शक्ति जो हिंसा के ताकत से दुनिया को गुलाम बनाती है और दूसरी हिंसक वह शक्ति जो मुक्ति के लिए हिंसक ताकत का प्रयोग करती है मुक्ति के नाम पर हिंसक शक्ति का प्रयोग करती है एक हिंसक शक्ति के द्वारा दुनिया को गुलाम बनाती है और उसके विरोध में एक हिंसक ताकत ताकत के द्वारा मुक्ति का भरोसा दिया जाता है और इन दोनों प्रकार की शक्तियों से अंततः हिंसा ही प्रतिष्ठित होती ये दो प्रकार की वह हिंसक शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे थे और इन सब लड़ाइयों के बीच में गांधी के अंतर मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जो चीज थी मित्रों वह थी कि वो इस लड़ाई को यदि आप भारत के संदर्भ में देखें तो लगभग मुगल साम्राज्य का जो छह सौ तिहत्तर वर्ष या बहत्तर वर्ष का शासन था और उसके बाद ब्रिटिश राज यहां स्थापित हुआ तो आप मान के चलिए मोटे तौर तो से एक हजार वर्षों की गुलामी के कारण दुनिया की सबसे प्राचीन दुनिया की सबसे समृद्ध दुनिया की सबसे हमवजन और दुनिया की सबसे अद्यतन भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो एक लगभग एक हजार वर्षों की गुलामी के दौरान जो सांस्कृतिक दरारें पड़ गई थी कल्चरल फैक्शन जो थे जो एक हजार वर्षों की गुलामी के दौरान पड़ गए थे मित्रों गांधी उन सांस्कृतिक साहितिक दरारों को पाटने की लड़ाई लड़ रहे थे और गांधी की संपूर्ण लड़ाई अंततः अपने सारभूत अर्थ में अहिंसक सत्यान्वेषी भारत के अद्वैत बोध को मानव सभ्यता का राजपथ के रूप में प्रतिष्ठित करने की लड़ाई के रूप में समझी जाती है इसीलिए गांधी अपने को व्यावहारिक अद्वैतवादी कहते थे अद्वैतवादी और मित्रों आप युवा अध्येताओं को देख के जो मुझे भविष्य का भरोसा मुझे मिलता है क्योंकि हम लोग तो अब अपनी पाली कंक्लूड करने जा रहे हैं लेकिन आप आपके चेहरे पर जो उत्साह और उस उत्साह में ज्ञान के प्रति जो गंभीरता दिखाई पड़ती है जो हम लोगों को भविष्य का भरोसा देते हैं जैसे मैं जब कभी भी बलराम जी का स्मरण करता हूं तो बलराम जी मुझे त्वरा प्रदान करते हैं त्वरण एक्सलरेशन तो आप लोगों को भी मैं देखता हूँ तो मुझे भरोसा मिलता है सुधीर जी को जब मैं स्मरण करता हूं तो वैचारिक उत्सुकता मुझे मेरी चेतना में अचानक प्रकट होती है वैचारिक उत्सुकता और रामास्वामी जी को जब मैं स्मरण करता हूं तो अपने विचार परंपरा के प्रति असमझौतापूर्ण निष्ठा का प्रतिस्मरण होता है जब मैं इन्हें याद करता हूं और बलराम जी सीधे सीधे वैचारिक त्वरा प्रदान करते हैं तो आप लोगों का को देखने से जो मुझे भरोसा मिल रहा है मित्रों कि आज आधुनिक से आधुनिकोत्तर होती जा रही जो आधुनिक सभ्यता है और लगभग साढ़े तीन सौ वर्षों के अपने अपने ज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा अपने को प्रमाणित करने का जो उसने एक चतुर्दी उपक्रम चलाया साढ़े तीन सौ वर्षो में उसने मित्रों आज हमारे लोगों के सामने एक कैच ट्वेंटी टू सिचुएशन पैदा कर दिया है कैच ट्वेंटी टू सिचुएशन और इसके चलते हम आधुनिक सभ्यता के भंवर में फंस कर हम लोग वास्तव में आधुनिकता का जो व्यामोह है उसी को हम लोग जीवन मूल्य समझने लगे सुंदर वास्तव में वह है व्यामोह लेकिन हम उसको जीवन मूल्य समझने लगे हैं यही कैच ट्वेंटी टू सिचुएशन है आधुनिकता कहती है कि अगर आपसे मुझे कोई आपको मुझसे कोई दिक्कत है कोई परेशानी है आप यदि हमारे अंदर कोई खामियां देखते हैं तो आप मुझे अवगत कराइए इतना खुलापन आधुनिकता में है लेकिन यह खुलापन सशर्त है और उसकी शर्त क्या है कि आप सारी समस्याओं का समाधान मेरे ही ढांचे में करेंगे मेरे ढांचे से बाहर जाने की आपको अनुमति मैं नहीं दे सकता हूं यही मतलब ये कैच ट्वेंटी टू सिचुएशन है तो आज इस कैच ट्वेंटी टू सिचुएशन से बाहर खड़े होकर मित्रों गांधी अपने समय में दुनिया के लिए जितने जरूरी थे ना और उस समय उन्होंने आधुनिक सभ्यता के जिस स्वरूप का प्रतिवाद किया था आज गांधी के बाद उस आधुनिक सभ्यता ने अपना अपने सुरसा रूप का विस्तार कितना अधिक कर लिया है तो आज तो गांधी की जरूरत पहले की अपेक्षा अधिक है क्योंकि आधुनिक सभ्यता ने अपना विस्तार अब विश्व सभ्यता के रूप में कर लिया है तो गांधी अपने समय में जितने प्रासंगिक नहीं थे उससे कहीं अधिक शताधिक रूप से आज वो प्रासंगिक हो गए और आइए आज हम लोग सत्य और अहिंसा की लाठी लिए हुए उस गांधी को आज की आधुनिकता के विरोध में फिर से खड़ा करने का प्रयास करें आज की आधुनिकता के विरोध में सत्य और अहिंसा की लाठी लिए हुए उस गांधी को फिर से खड़ा करने का प्रयास करें जो अंतरात्मा की आवाज की तरह आज भी हम सभी लोगों में मौजूद है अंतरात्मा की आवाज की तरह हम सभी लोगों में वह आज भी मित्रों मौजूद है बस जैसे हम कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज को अक्सर नहीं सुन पाते हैं लेकिन हमारी अंतरात्मा की आवाज होती है उसी तरह से हम सब में मित्रों गांधी आज भी मौजूद है बस केवल अंतर है कि हम गांधी के रूप में अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने आप जब अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे तो गांधी को आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा गांधी आपके माध्यम से अभिव्यक्त होगा गांधी आपके माध्यम से चरितार्थ होगा गांधी का अनुकरण करने की जरूरत नहीं होगी हम सब अपनी अपनी प्रस्थिति और भूमिका में गांधी का विनियोग करेंगे गांधी को क्रियान्वित करेंगे शीतकालीन सत्र का जो विषय है वह अर्थ दर्शन पर केंद्रित है और गांधी के अर्थ चिंतन पर स्वयं गांधी के द्वारा लिखे गए जो साहित्य उपलब्ध है सरल भाषा में सुबोध रूप में मैं समझता हूं आप सब लोग उससे परिचित होंगे ग्राम स्वराज नामक पुस्तक में उन्होंने बड़े स्पष्ट ढंग से कहा है और गांधी जी के उन बातों को आज दोहराने से क्या फायदा है वो बड़ी सेल्फ एक्सप्लिट एक्सप्लिटरी फॉर्म में हमारे सामने उपलब्ध है और इसीलिए मैंने आप लोगों से मित्रों आग्रह किया कि हम लोग प्रयास करें आज की आधुनिकता के संदर्भ में वो 1909 की आधुनिकता के संदर्भ में जो चिंतन हुआ था अब हम 2021 की आधुनिकता के संदर्भ में हम गांधी के अर्थ चिंतन को समझने का प्रयास कर रहे और इसलिए प्रयास करें कि गांधी का अर्थ चिंतन गांधी का आधुनिक सभ्यता का जो प्रतिवाद है उससे बाहर की चीज नहीं है क्यों क्योंकि आधुनिक सभ्यता अपने मूलभूत अर्थ संदर्भों में अर्थ केंद्रित है और काम ही एकमात्र उसका पुरुषार्थ है वो अर्थ मतलब धन केंद्रित है और काम ही उसका एक मात्र पुरुषार्थ है इसीलिए सोरोकिन ने उसे ऐन्द्रिक सभ्यता कहा है सेंसेट कल्चर आधुनिक सभ्यता को ऐंद्रिक सभ्यता वह देह वासनाओं की सम, देह वासनाओं के की संपूर्ति को ही अर्थात काम को ही एकमात्र पुरुषार्थ समझने वाली सभ्यता है और अर्थ केंद्रित इसलिए है कि अंतहीन बुभुक्षाओं को शांत करना ही वह उसमें जीवन की साधना है अंतहीन अं, अंतहीन दैहिक छाओं को शांत करने की साधना ही उसकी जीवन साधना इसलिए व्यापक परिदृश्य में गांधी का जो अर्थ चिंतन है वह आधुनिक सभ्यता की समालोचना में ही निहित है उससे पृथक नहीं और इस संदर्भ में जब हम गांधी के विचारों को समझने का प्रयास करें तो यहां भी हमें एक भ्रांति को दूर कर लेना चाहिए पहले क्योंकि यह ऐसी एक भ्रांति है जो मुझे मुझे वास्तविक गांधी को सनातन गांधी को अनावृत करने ही नहीं देती है। और वो मित्रों वो भ्रांति क्या है जानते हैं वह भ्रांति है कि गांधी जिस उत्पादन प्रणाली का समर्थन करते हैं अब हम लोग अब हम लोग आधुनिक सभ्यता की आर्थिक गांधीवादी आर्थिक समीक्षा पर आ रहे तो गांधी उत्पादन का समर्थन करते हैं वह आज की विपुल जनसंख्या वाले युग में आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम नहीं है यह पूर्व पक्ष है बलराम जी और एक विपुल जनसंख्या वाले युग की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है आपको भी लगेगा कि बात तो सही है और यह, और यह भ्रांति यह है इसको हम भ्रांति क्यों कह रहे हैं ये तो आपको लगेगा कि तो सच्ची बात है लेकिन मैं तो इसे कह रहा हूं कि यह भ्रांति है भ्रा, यहां भ्रांति क्या है यहां मतलब इस, इस इस प्रतिज्ञप्ति में इस अभिकथन में मतलब तो इल्यूजरी एस्पेक्ट क्या है वह यह है मित्रों कि आज के युग में भी 80 प्रतिशत संसाधनों का उपभोग दुनिया के 20 प्रतिशत लोग कर रहे अस्सी प्रतिशत संसाधनों का उपयोग दुनिया की जनसंख्या के 20 प्रतिशत लोग कर रहे हैं और 80 प्रतिशत लोग तो अधकचरे ही षड्यंत्र पूर्वक उसी उत्पादन प्रणाली के अंगभूत हैं जिनका समर्थन गांधी करते थे आप बात समझे कि जनसंख्या का 80 प्रतिशत भाग तो उसी उत्पादन प्रणाली में अधकचरे ढंग से जीवन जी रहा है जिस उत्पादन प्रणाली का समर्थन गांधी करते थे और इस पूर्व पक्ष में जिस आवश्यकता की पहचान की जाती है जिसको पूरा नहीं कर सकता गांधी की उत्पादन प्रणाली वो तो 20 प्रतिशत लोगों की आवश्यकता होती है जिन्होंने 80 प्रतिशत संसाधनों पर कब्जा जमा रखा है तो उनकी बुभुक्षा को गांधी शांत नहीं कर सकते हैं लेकिन अपनी बुभुक्षा के आड़ में वो गांधी के संबंध में दुष्प्रचार करते हैं कि ये ये विपुल जनसंख्या वाले युग के लिए यह उत्पादन प्रणाली अप्रासंगिक है तो ये आखिर गांधी की उत्पादन प्रणाली को कमतर या बदतर कौन आंकता है वो बीस प्रतिशत लोग ही आंकते हैं जबकि अस्सी प्रतिशत लोग पूरी दुनिया में गांव में निवास करने वाले लोग तो किसी न किसी रूप में अभी भी उसी उत्पादन प्रणाली के अंग भूत हैं और इस बात को कम से कम अमर्त सेन ने इस भ्रम को और इस झूठ को तब उजागर कर दिया था जब उन्होंने यह स्थापित किया था कि अकालों के समय में अन्न की कमी से के कारण लोग भूखों नहीं मर रहे थे अकाल पर उनका बड़ा भारी अध्ययन है जिसका निष्कर्ष यही है कि विभिन्न अकालों के समय लोग अन्न की कमी से नहीं मर रहे थे बल्कि पुनर्वितरण की समुचित समुचित प्रणाली और काला बाजारी के कारण उत्पन्न हुए अनाज संकट के कारण मर रहे थे कम से कम अमर सेन ने इस बात को अकालों के अध्ययन से सिद्ध किया और यहां हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए मित्रों कि जिन अकालों का सेन महोदय ने अध्ययन किया है उन अकालों के समय में आज की तरह की हरित क्रांति का परिष्कृत उपयोग नहीं हुआ था यह भी ध्यान रखिए आप कि इस समय हरित क्रांति का युग नहीं आया था जमीन की उत्पादकता बहुत कम थी और कृषि का ढांचा एवं पद्धति भी परंपरागत ही था तब भी अनाज की कमी से लोग नहीं मर रहे थे काला बाजारी के कारण मर रहे थे तो स्वयं गांधी उस ढांचे एवं पद्धति को अथावत यथावत रखने की सिफारिश भी नहीं करते हैं बल्कि उसमें पैठ जमाई हुई जो अकर्मण्यता है शोषण को दूर करने की व्यापक वो कार्य योजना प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले तो हमें इस भ्रम को दूर कर लेना चाहिए कि गांधी अपने अर्थ चिंतन में जिस उत्पादन प्रणाली का समर्थन करते हैं उसके विषय में यह पूरी दुनिया में भ्रम जो फैलाया जाता है कि वह आज की विपुल जनसंख्या वाले युग की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है यह एक महज भ्रम है क्योंकि तो गांधी कहते थे कि धरती माता मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है लेकिन धरती माता एक व्यक्ति की बुभुक्षा को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है बलराम जी आपको याद होगा महाभारत का कथन कि महाभारत में कथन है कि ये संपूर्ण पृथ्वी पृति, की संपूर्ण संपदा किसी एक व्यक्ति की बुभुक्षा को भी शांत करने में सक्षम नहीं है यावत मनुष्य कुशुभ स्त्री तो ये जो ये जो क्रीड सेंट्रिक जो इकोनॉमिक्स है ना जिसने कल्पित मनुष्य का निर्माण किया है उसकी बुभुक्षाओं को गांधी की उत्पादन प्रणाली उसकी आवश्यकताओं को कैसे शांत कर सकती है मित्रों वस्तुता आज की दुनिया की अर्थव्यवस्था जिसे आधुनिक सभ्यता के समर्थक पुरानी सभी अर्थव्यवस्थाओं से परिष्कृत और उत्तम बताते हैं सारे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ जो है वो कहते हैं कि आज की उत्पादन प्रणाली सर्वोत्तम उत्पादन प्रणाली है वास्तव में उधारी की अर्थव्यवस्था है कैसी तो अर्थव्यवस्था तो गान गान गा तो है उधारी की अर्थव्यवस्था है कल्पित मनुष्य का पूरा जीवन उधारी पे चलता है साख मुद्रा ने उधारी की अर्थव्यवस्था को ही निर्मित किया है साख मुद्रा ने उधारी की अर्थव्यवस्था को ही निर्मित किया है और या कोई मनगढ़ंत या तर्क के लिए तर्क करने पर आधारित यह बात मैं नहीं कह रहा हूं आप उदाहरण के माध्यम से इस बात को देख और परख सकते हैं आज चीन के सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले उसका कर्ज 280 प्रतिशत है जापान का कर्ज उसके सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले 230 प्रतिशत है और यूनान जो आज दिवालिया होने के कगार पर है अपने सकल घरेलू उत्पाद के 175 सौ प्रतिशत कर्ज के बोझ को वह उठा नहीं पा रहा है। और यही स्थिति दुनिया के लगभग सभी राष्ट्रों की है यद्यपि औद्योगिक सभ्यता के जो पक्ष पोषक है और उनके जो अर्थशास्त्री विशेषज्ञ हैं अपने बचाव के लिए पर्याप्त ज्ञान रखते हैं वो और कुछ नहीं तो कम से कम यह तो वह जरूर कह सकते हैं कि अर्थशास्त्री नीतियों में कोई कमी नहीं है बल्कि आगे वह यह भी कहेंगे कि वसुता अर्थशास्त्री नीतियों में विसंगति तो तब आती है जब स्वीकृति हेतु राजनेताओं के पास जाती है और राजनेता उसमें लोकप्रिय तकाज, तकाजों का समावेश करके उसको बिगाड़ देते हैं और इस मामले को समझने के लिए यदि आप आधुनिक अर्थशास्त्र के शब्द जाल में पड़ेंगे तब आप भी यही कहेंगे कि ऐसा था इसलिए वैसा होना था और वैसा नहीं हुआ इसलिए ऐसा नहीं हुआ। <laughs> आप उस मकर जाल में फंस जाएंगे और अतः सहज बुद्धि और आम भाषा में यहां गांधी की दृष्टि से कुछ सवाल प्रस्तावित किए जा सकते हैं इन अर्थशास्त्री विशेषज्ञों के सामने और वह सवाल यह है कि जिस कर्ज कर्ज के बोझ के तले राष्ट्र राज्य सर्वसाधारण को दबाते जा रहे हैं उसका उपयोग वह इसी जीवन में करेंगे या अगले जन्म यह सवाल है गांधी की तरफ से. क्योंकि जब सकल घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की भी गणना होती है तो राष्ट्रों ने अपने मुकाबले 200-300 गुना ऋण ले रखा है तब तो उस ऋण के सुफल को चखने के लिए दो ढाई सौ वर्ष तो हमें जीना ही होगा। <laughs> मित्रों यहां तर्क यह है तर्क यह है कि यह नहीं हो सकता कि हमारी भावी संति इसका उपयोग करेगी क्योंकि गांधी की दृष्टि में तो यह भावी संतिति को अकर्मण्य बनाना होगा अगर इसके तर्क में देते हैं कि हम भावी संति इसका उपयोग करेगी तो इसमें भावी संतति का मतलब होगा अकर्मण्य बनाना उनको और दूसरी ओर हम समाज और पर्यावरण को जीने लायक भी तो नहीं छोड़ रहे हैं कि दो ढाई सौ वर्ष की प्रतीक्षा करें हम और दूसरी ओर तरह से देखें तो यह कर्ज होते तो औद्योगिक घरानों एवं राज्य के परंतु विडंबना देखिए कि यह सब कुछ उन घरानों की मर्जी से ही होता रहा और तब उनके तो करोड़ों अरबों डॉलर के मुनाफे हो जाएंगे किंतु उस मुनाफे से आम जन को उतना लाभ नहीं होगा जितना नुकसान उन्हें इन कर्जों के डूब जाने पर होता है और इस पूरी प्रक्रिया में मानव जीवन में हम चांस फैक्टर को कम करके च्वाइस फैक्टर को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील अर्थव्यवस्था है और इसका मतलब क्या हुआ कि करे कोई और भरे कोई। कोई की कोई कोई हम लोग पहले अपनी ज्ञान परंपरा में कहते हैं कि हम तीन प्रकार के ऋणों को लेके हर व्यक्ति यहाँ पैदा होता है ऋषि ऋण पित्रिणी ऋण त्रय को इसलिए हम भारतीय जीवन प्रणाली को जीवन प्रणाली कहते हैं उऋण होने की जीवन प्रणाली कहते हैं पितृण देव ऋण ऋषि ऋण से हम को लेके पैदा होते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में हम पितृण देव ऋण और ऋषि ऋण के साथ नहीं पैदा हो नहीं। <laughs> बल्कि ढाई सौ तीन सौ प्रतिशत कर्ज लेके पैदा हो रहे हैं जिस कर्ज को मैंने नहीं लिया जिस कर्ज का सुफल हम नहीं चखेंगे लेकिन हम उस कर्ज को चुकाने के लिए पैदा हुए हैं गांधी का मित्रों सवाल है आधुनिक अर्थव्यवस्था आधुनिक सभ्यता का पोषक जो शास्त्रीय अर्थशास्त्र है वो मित्रों इस मान्यता पर टिका है कि पृथ्वी पर असीमित विकास की संभावना है और यदि इस संभावना को विगत शताब्दी के तीसरे दशक की मंदी ने ही उसे दीवा स्वप्न घोषित कर दिया मैं जो ये बात कह रहा हूं तो मैंने पहले ही कहा था आज की आधुनिकता और आज की आधुनिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था के, अर्थ के संदर्भ में हम लोगों को गांधी को खड़ा करना है गांधी ने जो कुछ कहा उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं हम आज गांधी को यहां विस्तारित करें तो तीसरे दशक की ने नहीं तो दीवा स्वप्न घोषित कर दिया किंतु तब भी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो जादूगरियां हैं ने असीमित विकास की संभावना को जगाया भी और इस ढोल को आधुनिक सभ्यता के समर्थकों ने इस कदर पीटा कि लोग आज भी धरती के हर कोने पर न्यूयॉर्क और पेरिस खड़ा करने की उम्मीद लगाए बैठे। हैं यह उम्मीद औद्योगिक सभ्यता के वैज्ञानिक ज्ञान के विशेषज्ञों में आज आम आदमी की अपेक्षा अधिक घर करती जा रही है यह बात इस तथ्य का अर्थशास्त्र के ही एक ज्वलंत उदाहरण से हम लोग स्पष्ट करके आगे बढ़े तो बहुत अच्छा होगा अमेरिका के अर्थशास्त्रियों के एक वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सन 2003 में आप लोगों ने नाम सुना होगा रॉबर्ट लुकाज उनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में संभवतः उन्नीस अपने समय की उपलब्धियों से इस कदर आकंठ में वो डूबे हैं कि वो उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब अर्थशास्त्रियों को मंदी की अर्थव्यवस्था से माथा पच्ची करने के बजाय नवीन क्षेत्रों में काज करना चाहिए क्योंकि अब इतिहास का अब मंदी जो है वह इतिहास का विषय हो चुका है मंदी कोई अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं और यह एक गर्भोक्ति या आधुनिक अर्थतंत्र पर परम प्राधिकार का यह विश्वास था उनका लुकाज का यह गर्वोक्ति थी और और मतलब यह कहते हुए उन्हें उन्हीं के देश से जन्मी और फैली 2007 की महामंदी का उन्हें अंदाजा नहीं कि उनकी इस गर्वोक्ति को किस तरह से उसने तहस नहस और मटिया मेट कर दिया खैर इससे आगे बढ़कर देखें तो महामंदी की जिस अर्थव्यवस्था पर स्वयं क्रुगमेन जैसे अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार बाद में प्राप्त हुआ उन्होंने क्या बताया वे हेज फंड एवं जॉर्ज सोरेस के तिकड़म के इर्द गिर्द महामंदी की पूरी व्याख्या करते हैं ये सब थोड़ी टेक्निकल टर्म है जो अर्थशास्त्र के जानने वाले लोग हैं उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं महामंदी की व्याख्या जो थे वो है, हैजेंड फंड और जॉर्ज सोरेस के तिकड़म के इर्द गिर्द वो करते रहे और संचयन के कारण पूंजीगत प्रवाह के अवरुद्ध होने मतलब शाब्दिक रूप से इसको कहते हैं बेबी सीटिंग द्वारा कूपन प्राप्त करना और उस कूपन के जरिए कार्यस्थल का पर प्रवेश का नियम बनाना और ये पूंजीगत प्रवाह के अवरुद्ध होने को ही महामंदी का ये लोग कारण बताते रहे लेकिन आप एकदम अपना जो हमारे लोगों का कॉमन सेंस है गांधी तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात करते थे तो सहज ज्ञान के आधार पर ये क्रुगमेन की जो स्थापना में जो वास्तव में स्वीकार करने योग्य तो कुछ दिखता नहीं ये केवल तिकड़म ही है क्योंकि पूरी आधुनिक व्यवस्था अपनी समस्याओं का समाधान तिकड़म से ही करती है यह तिकड़मी अर्थव्यवस्था जिसको हम लोग अपने ग्रामीण परिवेश में जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं <laughs> जब इसके पास कोई समस्या आएगी ना तो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी खोजती है इसके पास कोई स्थायी समाधान नहीं इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक समस्या आधुनिक सभ्यता या आधुनिक अर्थव्यवस्था अपने अस्तित्वात्मक समस्याओं का भी अनुभविक आनु, समाधान ढूंढती है समस्याएं अस्तित्वात्मक है लेकिन समाधान अनुभविक है और वह भी ऐसा समाधान जो अपने साथ प्रतिविधान के रूप में एक दूसरी समस्या को लिए हुए आती है और इस तरह समस्याओं के समाधान और उस समाधान में निहित एक दूसरी समस्या जो प्रतिविधान है यह एक आवर्तीय चक्र के रूप में आधुनिक अर्थव्यवस्था में चलती रहती है आखिर क्यों सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हम विचार कीजिए आखिर क्यों सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नौकरी पेशे वाले व्यक्ति को जिसमें हम सब लोग आते हैं उनकी वार्षिक आय के अनुपात में दो तीन सौ प्रतिशत हम लोगों को ऋण क्यों नहीं मिलता है इस अर्थव्यवस्था में? आप समझिए कि आपकी जो वार्षिक आय है उस वार्षिक आय का दो सौ तीन सौ गुना कोई बैंक आपको कर्ज क्यों नहीं देता है इसका उत्तर भी मित्रों यही है कि उनके जीवन एवं ऋण चुकाने की क्षमता की एक सीमा है हमारी उम्र की एक सीमा उन लोगों ने बना रखी है कि अधिकतम हम इतने वर्ष तक जिएंगे और उस दौरान शायद हम चुका ना पाए इसलिए अप्रोक्सीमेट एक लिमिट मान दिया उन्होंने और यदि यह सत्य है तब इसी सत्य को कारपोरेट घरानों के ऋण एवं राज्यों के ऋण के लिए के संदर्भ में क्यों नहीं स्वीकार किया जाता कारपोरेट घरानों को उनके कुल आय का 200-300 गुना उनको क्यों ऋण दिया जाता है और क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था में एनईपी नॉन प्रोडक्टिव एनपी एनपीए नॉन परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एनपीए एनपीए बढ़ाते जाते हैं ये जो किमियागिरी है आधुनिक अर्थव्यवस्था की कि हम तो हम, हम, हम भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं हमारे द्वारा कर्ज चुकाए जाने की बड़ी गारंटी है फिर भी हमें सर 200-300 गुना कर्ज नहीं मिलता है लेकिन एक कारपोरेट घराने को और राज्य को 200-300 गुना उसको कर्ज मिलता है इस इसको तो उन पर भी लागू किया जाना चाहिए इस क्यों का उत्तर पुनः कई विशेषीकृत ज्ञान की अवधारणाओं पर निर्भर करता है और वह यह कि राज्य एवं कारपोरेट घराने निगम की तरह हैं और निगम की उत्तर जीविता की कोई सीमा नहीं है हम एक व्यक्ति हैं तो हमारे उत्तर जीविता की सीमा है लेकिन निगम की उत्तर जीविता की कोई सीमा नहीं है परंतु यहां विचार करने करें आप सब लोग कि निगमों का जीवन भी तो व्यक्तियों व्यक्तियों के जीवन से ही है और निगम भी जब विश्वास पर आधारित होते हैं तब किस प्रकार के विश्वास के निर्माण का तकाजा है कि हमारे कर्ज की भरपाई अगली पीढ़ी करे निगम की उत्तर जीविता को वो व्यक्ति की उत्तर जीविता के आधार पर विस्तारित कर लेते हैं लेकिन इस उत्तर जीविता में जो षडयंत्र और शोषण छिपा हुआ है निगमों की उत्तर जीविता में वह षडयंत्र और शोषण यह है कि आप यदि कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो आपके 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 आपकी संततियां उस कर्ज को चुकाएंगी मतलब अमरत्व का वरदान जो है वो कारपोरेट घरानों ने अपनी उत्तर जीविका में प्राप्त कर रखा है और हम तो नश्वर हैं और जहां तक हो सकेगा हम जीवन भर उनका कर्ज चुकाते रहेंगे नहीं चुका पाए तो हमारी संततियां उस कर्ज को चुकाती रहेंगी ये किमियागिरी है आधुनिक अर्थव्यवस्था की और पुनः मित्रों यदि राज्य समाज आदि सब कुछ संविदा ही है एक कॉन्ट्रैक्ट है तो हम भावी पीढ़ियों से क्या संविदा करने वाले हैं गांधी यह प्रश्न पूछ रहे कि हम भावी से जो संततियां हैं उनसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं सच पूछिए मित्रों तो इस संदर्भ में संविदावादी न्याय की तर्क प्रणाली भी अत्यंत खोखली सी प्रतीत होती है गांधी के नजरिए से आज के समय में यदि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि स्थिति ये सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की स्थिति ये जो न्याय की जो एकदम अत्याधुनिक अवधारणा है से अवंचित समूहों को न्याय प्राप्त कराने का उपक्रम भी किया जाए तो उस अप्रत्यक्ष कर्जे का क्या होगा जो व्यक्ति ने लिया तो नहीं था पर चुकाने के लिए उसका गला भी फसना ही है चाहे उसकी पृष्ठभूमि जैसी ही। अब चारों तरफ रूप से मकर जाल को देखिए आधुनिक अर्थव्यवस्था के कि हम, लग, हम सारे लोग एक अर्थ में कर्जा चुकाने वाले मजदूर बन के रहे जीवन भर हम आपको भ्रम है आप खा पी रहे हैं आप अपने मकान में रह रहे हैं आप अगर बहुत गंभीरता से गांधी के नजरिए से देखिए तो आप इस अर्थव्यवस्था के कैच ट्वेंटी को कैच ट्वेंटी टू सिचुएशन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आप कहीं ना कहीं कर्जा चुकाने के एक यंत्र की तरह काम कर रहे हैं हमें यह बोध नहीं होता ठीक वैसे ही जैसे मेट्रोपोलिटन सिटी में रहने वाले लोगों को मेट्रोपोलिटन पोवर्टी का बोध नहीं होता बिल्कुल मेट्रोपोलिटन पोवर्टी का उनको भ्रम क्या होता है कि मेरे पास एसी है उनको भ्रम क्या होता है कि मेरे पास वॉशिंग मशीन है उनको भ्रम क्या होता है कि मेरी समृद्धि का सूचक चलती हुई सीढ़ी है चलती हुई सीढ़ी लिफ्ट उनको यह भ्रम होता है कि ये हमारी समृद्धि के सूचक है लेकिन आप कल्पना करें कि 20-25 मंजिल जो टावर्स हैं, उसमें एसी के बिना आप जी सकते हैं क्या आपके पास उतना पानी नहीं है कि आप कुएं और तालाब में जैसे लोग कपड़ा साफ करते हैं गांव वाले वैसे आप उस मेट्रोपोलिटन फ्लैट में आप सीमित आप कपड़े कैसे वहां धूप नहीं आती आप कपड़े कैसे सुखाएंगे तो ऑटोमेटिक मशीन चाहिए ना जो कपड़ा धो भी दे कम पानी में सुखा भी दे आप चढ़ नहीं सकते शारीरिक शक्ति के द्वारा तो चलती हुई सीढ़ी जरूरी है एक गांव का आदमी आता है और मेट्रोपॉलिटन गरीबी में रहने वाले अपने गांव के गांव के किसी आ, मध्यम वर्गीय परिवार के किसी पढ़े लिखे मजदूर के घर को भी गांव वाला जाता है तो कहता है कि देखो हमारे गांव की ये बाबू कितने सुखी और कितने समृद्ध हैं वो गांव में जाके उनको बताता है कि अरे वहां तो चलने की जरूरत ही नहीं थी वहां सीढ़ी ही चल रही थी उसके लिए कितना कौतुक भरा समृद्धि का सूचक होता है लेकिन आप गांधी के नजरिए से देखिए तो ये मेट्रोपोलिटन कैसी गरीबी है आप अनिवार्य आवश्यकताओं के आधार पर तो नहीं जी रहे हैं अनिवार्यतम आवश्यकताओं की लगे हुए विलासिता नाम की तो आपके पास कोई चीज ही नहीं तो ये मेट्रोपोलिटन जो गरीबी है उसको समृद्धि का सूचक बना दिया है इस अर्थव्यवस्था ने चलिए सर सर ये बातें ऐसी हैं काफी ज़्यादा नहीं 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 ये अंतहीन वार्ता है कथा हम फिर करेंगे लेकिन चाय लगाओ और कोई जरूरी नहीं मित्रों फिर ये फिर ये मतलब हम कोई व्याख्यान इस तरीके से आपके सामने देने में आए हैं जिसका एक प्रथम पंक्ति है और एक अंतिम पंक्ति है ऐसा कुछ भी हम सब लोग मिल एक विचार प्रक्रिया को जगाने के लिए आए उसमें न मैं जगाने वाला हूं और ना आप जगने वाले हम सब लोग जागने की प्रक्रिया अभी कथा पे सिर्फ अंतराल है ठीक है ना हाँ। ये अभी यहाँ चलिए <laughs> ना